देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली है। ऐसे में खराब मौसम का असर अब हवाई सफर पर भी पड़ने लगा है, जिसके कारण दिल्ली समेत कई राज्यों की फ्लाइट्स समय से लेट पहुंची। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बुधवार को भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक कोहरे की मोटी चादर छाई रही। वहीं इस घने कोहरे का असर अब सभी तरफ देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो वहीं इसकी वजह से हवाई और रेल यातायात सुविधाएं भी बाधित हो रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है। बुधवार की सुबह पूरे एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी थी, जिसके कारण सड़कों पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। धुंध की वजह से कई जगह हादसे भी हुए। कोहरे की वजह से ट्रेन और उड़ानें भी प्रभावित रही। जो लोग सुबह घर से काम करने के लिए निकले, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में लोगों को कोहरे के साथ प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को AQI 377 दर्ज किया गया। वहीं फरीदाबाद में 302, गाजियाबाद में 305, गुरुग्राम में 286 और नोएडा में 343 AQI दर्ज हुआ। आपको बता दें कि उत्तर रेल के प्रवक्ता का कहना है कि कोहरे के कारण करीब 25 ट्रेनें और 110 फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। इस ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत समेत कई ट्रेन शामिल हैं। भोपाल से दिल्ली आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस कई घंटे की देरी से आई। इसके अलावा दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9 घंटे की देरी से कानपुर पहुंची थी। इधर 25 ट्रेन भी प्रभावित हुई। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 110 फ्लाइट पर भी खासा असर पड़ा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाली करीब 50 फ्लाइट्स भी लेट से उड़ाने भर रही हैं। तो कुल मिलाकर सभी तरफ इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।